इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। पुलिस को मिली कामयाबी, कट्टे के साथ अपराधी गिरफ्तार, पहुंच गया जेल। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवर जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। मैं आपको बता दूं जी, मतलब 40,000 रुपए की पिस्टल खरीदे हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिस्टल मिली उसे देखकर भी पुलिस दंग रह गई। उसमें USA लिखा हुआ है और 10 राउंड फायर किया जा सकता है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पर कार्यवाही करते हुए युवक को जिला जेल बंद किया गया है। आदिगांव पुलिस ने एक युवक को पिस्टल और एक कारतूस के साथ दबोचा है। आरोपी ने अपनी शादी के दूसरे दिन रिसेप्शन में पिस्टल से हवाई फायरिंग किया था। सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। आदिगांव थाना प्रभारी राजेश दुबे ने बताया कि आरोपी तेंदुली का रहने वाला दीपक ठाकुर है। उसके द्वारा फायरिंग करने की घटना के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई। SP श्री रामजी श्रीवास्तव ने इस मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए थे। आरोपी को कोर्ट के निर्देश पर जेल भेज दिया गया। दीपक ठाकुर का 20 मई को शादी का रिसेप्शन था। उसने अपने दोस्तों के साथ नृत्य करते हुए पिस्टल से हवाई फायरिंग की। यह वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस को जब यह जानकारी लगी तो उसकी शनाख्त के लिए जांच पड़ताल की गई। SDOP अनिल मंडराह ने भी इसके लिए टीम गठित की। साइबर सेल और अन्य साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान हुई। दीपक हार्वेस्टर चलाने का काम करता है और वह नरसिंहपुर में भी रहकर JVC सुधारने का काम करता था। 3 साल पहले उसने किसी व्यक्ति से 40,000 रुपए की पिस्टल खरीदी थी। पुलिस को जो पिस्टल मिली है उसे देखकर भी पुलिस दंग रह गई। उसमें USA लिखा हुआ है और 10 राउंड फायर किया जा सकता है। अब हम कैसे मान लें कि हमारा जिला आतंकवादी या नक्सलवादी या अंतर राज्यों के गिरोह है से निजात पा गया है। अब बताइए रघुवीर जी, ये युवक ने आखिरकार 40,000 रुपए की पिस्टल खरीदी कैसे? सवाल ये उठता है, सिवनी जिले से खरीदा, नरसिंहपुर जिले से खरीदा, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, आखिर खरीदा कहाँ से? पुलिस को इसकी निष्पक्ष जांच करना चाहिए कि उक्त व्यक्ति ने यह रिवॉल्वर खरीदा कहाँ से, मतलब इसकी बिक्री जिले में हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इसकी सूक्ष्म जांच की जाए और आरोपी को रिमांड में लिया जाए और इस पे सख्ती बरती जाए और मानव अधिकार के ठेकेदारों को एक लात मार के बाहर कर दिया जाए, जो साले ठेकेदारी करते हैं आतंकवादियों की और वो हमारे देश में की सरहद में जान दे रहे देश के देशभक्त, उनको मार के और काट के फेंकने वाले आतंकवादियों के साथ मानव अधिकार के ठेकेदार कहते हैं इनसे मानवता बरतो, उनको पहले लात मारो, चाहे मेरे को कानून के हवाले कर दो, इसको तरीके से सुधारे जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधिकारी जो बिल्कुल दबंग टाइप के, देवकरण डेहरिया जी हो गए, आपके आदिगांव के राजेश दुबे जी हो गए, आपके मतलब हमारे छपारा के पटेल साहब आ गए हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति भागा भाग दें और तरीके से पूछताछ करें तो भांडा अब भी फूट जाएगा कि ये रिवॉल्वर आई कहाँ से, जिससे कम से कम निजात तो पाएगा हमारा जिला। पता नहीं किसे मारने की फिराक में था, और अगर ये समारोह में फायरिंग कर भी रहा था तो वहां जो लोग बैठे थे साले वीडियो भर बना रहे थे, राजेश सिवरे जैसा व्यक्ति होता तो बूढ़ी रिवॉल्वर छीन के इसकी कनपट्टी पे रख के पुलिस आदिगांव थाना में राजेश दुबे के सामने खड़ा कर देता कि डांस तो बहुत करते हो तुम, तरह तरह की
आपके थाना क्षेत्र में जो ऐसे आतंकवादी घूम रहे हैं, इनकी रक्षा करने में तुम क्यों असमर्थ हो जो किसी की रिसेप्शन में इतने अश्लील गानों पर ऐसा नृत्य कर रहे थे जैसे कोई आप मिथुन चक्रवर्ती या फिर शाहरुख खान हो, मतलब आप हमारी आने वाली जनरेशन को देखे रहे थे। ऐसा जिला ब्यूरो कर देता आपके पास लाके खड़ा तो तुम्हारी समझ भी आ जाती कि पुलिस व्यवस्था इन दिनों कर क्या रही है। जी राघवेंद्र जी। जी राजेश जी, तो हम